हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पहाड़ की शादी में दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हे पक्ष को खाते वक्त गाली देने का रिवाज, और क्या होता है इसके बारे में पूरी वीडियो में बताएंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह विश्व, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, जो हमारे उधर पहाड़ में शादी में जो खाते वक्त है, जब हमारे परिवार गाली देने वालों के इतने होते पैसे, और कलश वाले को इतना देते हैं, और किस चीज़ का कितना देते हैं, झूठे चुराने को वाले को इतना देंगे, तो उस तरीके से गाली देने का एक रिवाज होता है, कहते हैं उसको। लेकिन असल में वो क्या होता है कि दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, हंसी गोली करते हैं और मजाक करते हैं। तो जैसे अलग अलग तरह करते हैं, दूल्हे आपके वहाँ पर कैसे क्या है कैसा है, तो उन चीज़ों पर बातचीत होती है, और उसको हमारे रिवाज में कहते हैं गाली देना। असल में वो एक दूसरे के साथ में आप अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, क्योंकि जब दो परिवार के एक परिवार होते हैं तो आपस में हंसी मजाक भी होती है। तो यही हमारे प्रोग्राम में इस वक्त ये चल रहा है, और आप अब सुन रहे हैं कि लड़की लोग जो औरतें वगैरह हैं वो दूल्हे पक्ष लोगों को चिढ़ा रहे हैं, और दूल्हे पक्ष के लोग भी उसका जवाब दे रहे हैं। तो आपस में जब हमारा एक दूसरे के साथ में संबंध होता है, एक दूसरे की जान पहचान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो यही इस वक्त हो रहा है। अरे उड़ान जो हमें बेचती यार, छोटे सबने तो का बोला तो आराम से खाओ गला बैठा। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में आपको दिखाया कि हमारे पहाड़ की शादी में दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हे पक्ष को गाली देने का रिवाज, और इसमें एक दूसरे से आत्मीयता बढ़ती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। शुक्र है कभी आए तो